दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। हमने एक दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था और आप लोगों से पूछा था कि जो आप लोग को क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में, क्या है क्वेश्चन और क्या डाउट है, तो आप लोगों ने जो है कमेंट किया था उसी। दोस्तों, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 123 लोगों ने उस कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट किया है, तो सभी लोगों का कमेंट ले पाना संभव नहीं है। तो मैंने दोस्तों उसमें से चुनिंदा कुछ कमेंट लिए हैं, लगभग 30 कमेंट हमने लिया है, जो लगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की जानना जरूरी है। तो जिन भाई लोगों का जो है कमेंट नहीं ले पाए हैं उनके लिए सॉरी। अगर आप अगला जो Q&A होगा उसमें आप कमेंट करिएगा, उसमें आप लोगों का कमेंट जरूर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी जो है धुरीना ऐप पर जो है मैथ मस्ती सर, विपिन सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनका जो है 199 में जो है कोर्स चल रहा है, जो यानी पूरे मैथ का कोर्स है। तो आप लोग जो है धुरीना ऐप पर जाके वहाँ से रजिस्टर करके और उनका जो है कोर्स जरूर खरीदे, क्योंकि ग्रुप डी के लिए स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, तो ग्रुप डी के लिए वो जो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब Q&A जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है, तेजपाल 4016 पूछे हैं, आपसे बात करनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम ID बताइए। तो दोस्तों देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास जो है एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है और वो जो है सभी बैंक, आपका जो है बैंक आधार जो भी है सभी में लिंक वही नंबर है, तो वो आपको नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम मेरा ID है, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लेट ही जवाब दूंगा लेकिन लेट जवाब आपको जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ड्यूटी मेरे रहती है, नाइट डे शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो उसके अनुसार जो है आपको हमें जो है वो बदलना पड़ता है, तो इसलिए जो है लेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं रिप्लाई करेंगे। तो मेरा जो है इंस्टाग्राम ID है बिरजू कुमार BK BIRJUKUMAR BK, सभी शर्ट के है, स्पेस बीच में नहीं है। तो इस पर जो है आप इंस्टाग्राम पर या मेरा जो है ईमेल ID है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिरजू कुमार राज, वो भी इस पर 1998@gmail.com, ये मेरा जो है ईमेल ID है, तो उस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, दोनों पर हम जवाब दे देंगे। तो जिन लोग भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए ये बहुत हर एक वीडियो में दो चार कमेंट ऐसा आ जाता है, आपसे बात करनी है, आप ये चाहिए नंबर दीजिए, तो नंबर मैं तो दे नहीं सकता भाई, तो इसलिए जो है आप वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्गेश सिंह जी, OBC सर्टिफिकेट जो रेलवे नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी को प्रिंट करवा के उसी पर सिग्नेचर मोहर लगवाना रहता है। देखिए जब भी ज्वाइनिंग आएगा तो वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका OBC जो भी रहता है वो आपको भेज देता है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भेजेगा उसी पर आपको प्रिंट मोहर साइन करवा के ले जाना है बस। अगला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट विश इंडियन रेलवे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है क्या करो अभी ग्रुप डी के लिए। देखिए आप लोग को हमने बहुत वीडियो बना के बताया बहुत अच्छे तरीके से कि मतलब नंबर आप लोग मॉक टेस्ट में कैसे बढ़ेगा, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जिन लोगों के टेस्ट में नंबर कम आ रहा है और वो परेशान है नंबर बढ़ नहीं रहेगा, तो वो वीडियो को जरूर देखें, उससे आप लोग को बहुत लाभ होगा, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप वीडियो जरूर देखिए। अगला है पवन प्रसाद का, प्रमोशन के बारे में जानकारी दीजिए, तो प्रमोशन के लिए भी मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया है, तो वहां से आप वही वीडियो फिर देख लीजिए अच्छे से। यहाँ देखिए अगर बताएंगे तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अच्छे से बता भी नहीं पाएंगे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है, तो वहां जाके आप वो वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है DK यादव का, सैलरी आपकी कितनी है फिक्स बताना। तो बता दें दोस्तों, हमने तो सैलरी के बारे में बहुत बार चर्चा किया है, तो बहुत लोग जो नए हैं जो नहीं जानते हैं, तो सैलरी के बारे में बता देते हैं दोस्तों कि जो इस महीने में भी मेरा सैलरी आ गया है, तो सैलरी इस महीने में 21,500 आया है, तो आपका जो है 21 से 23 24 25 ऐसे जो है फ्लक्चुएट महीने महीने होते हैं, जिस तरह से अगर नाइट ड्यूटी आप ज़्यादा करिएगा या आपका NH ज़्यादा हो जाता है, एक NH में 370 रुपया जो हम लोग को ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए जो है NH ज़्यादा हो जाता है, नाइट ज़्यादा होता है, कुछ बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो एजुकेशन विद राजा और MK बाबू दोनों का है कि आप शादी कब करोगे भाई, आप भाई जवाब जरूर देना। तो शादी कर लेंगे भाई, अभी जल्दी क्या है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 22 साल का हुआ हूँ, तो 23-24 में यानी 2023-24 में जो है कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है योगेश इढाते, सर जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है या GK का। देखिए 20 रहता है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें लगभग लगभग
फिफ्टी फिफ्टी मान लीजिए कि जो रहता है, लगभग 10 आपका जो है 5 से 10 जो करंट अफेयर्स रहेगा, और इसी तरह से 5 से 10 जो है आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है रियल नवाब का, क्या इतना समय मिलता है कि पीसीएस या सीजीएल की तैयारी कर सके, ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद क्वार्टर मिल जाता है? तो बता दें दोस्तों आप लोग को 8 घंटे के बाद जो है 16 घंटा टाइम बचता है, जिसमें आप जितना सोना चाहते हैं और जितना पढ़ना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन पूछे, ज्वाइनिंग कितने दिन, देखिए क्वार्टर खाली रहने पर आप आज ज्वाइन करिए, कल उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए और आपको वो क्वार्टर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है रवि इंटरटेनमेंट का, आरपीएफ का एग्जाम लेवल और ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम लेवल के बारे में बताइए। तो दोनों का एग्जाम लेवल लगभग सेम ही रहता है, आरपीएफ में थोड़ा जीके जीएस कुछ हद तक जो है ज़्यादा रहता है, और दोनों का एग्जाम लेवल जो है सही एक ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है सत्येंद्र झा, थ्योरी पोर्शन को कैसे पढ़े, रिविजन कैसे करे, कितने दिन पर करें ताकि याद रहे? तो रिवीजन का भी वीडियो मैंने दोस्तों बना दिया है, तो वहां जाके आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां जाके आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो रिवीजन जो है वो वहां से कैसे करें उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, तो वहां से जरूर देखें। अगला है सुमित राज का, रिवीजन नहीं कर पाते, हमेशा लगता है कि जो नया पढ़ना जरूरी है या रिवीजन करना। तो नया पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करिए। मेरा तो यही फंडा था भाई कि ज़्यादा नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स है और उसके सिवा कोई नया बुक नहीं, कोई नया चीज़ नहीं, जो पढ़ना है जो पिछले पढ़े हुए हैं वही चीज़ पढ़िए, बस अभी नया ट्राई मत करिए। अगला जो है आपका देवेंद्र सरोहा का है, कितना परसेंट सेफ है, 80-90%, 90-95%, 95%+। वाह इतना नंबर तो भाई लाना तो मतलब क्या कहते हैं बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ला ही सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 70+ ला रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। 70+ देखिए मैं ये नहीं कहता कि 70 से ऊपर ही जाएगा कटअप, लेकिन आप सेफ रहना चाहते हैं तो 70+ जो आप अगर लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुन कुमार गुप्ता, ग्रुप डी में फॉर्म भरते समय ओबीसी वेस्ट बंगाल का है, लेकिन यूपी का ओबीसी डिटेल्स भर दिया है, तो क्या कोई दिक्कत है? देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हाफ डीपीट बनवा लीजिएगा कि मेरे से ये गलती हो गया है और इसके जगह ये होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ रहते हैं वहीं का ओबीसी भी ले जाइएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हाफ डीपीट आप जरूर बनवा लीजिएगा ज्वाइनिंग के समय। अगला क्वेश्चन है सतीश कुमार जी का, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी मैंने दोस्तों वीडियो बना दिया, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा डिटेल्स। हम यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वहाँ हमने डिटेल्स में अच्छे से बताया है, और यहाँ ज़्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो चीज़ है, जो एक बार वो वीडियो देखे हुए हैं तो उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो जो नहीं देखे हुए वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विशाल विश्वास का, एग्जाम अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो क्या हिंदी करने का कोई उपाय है एनटीपीसी मेंस में? देखिए हमने जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम हम लोगों जो है वहाँ पूछा गया था कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या और कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज में, तो हमने बताया था कि हमें हिंदी में देना है, तो वो हिंदी में सेटिंग कर दिया था। तो अगर आप भी जाते हैं तो इसी तरह का शायद ऑप्शन आप लोगों को भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगला क्वेश्चन है तलेश देवागन का, मैंने ग्रुप डी प्रेफरेंस में 1st 5 पोस्ट हेल्पर का डाला है और 6th में ट्रैकमैन डाला है, तो हेल्पर का पोस्ट जो है कितना नंबर लाने पर मिलेगा? तो हमने ये भी वीडियो बनाया है कि जो पोस्ट किस प्रकार दिया जाता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अमित पाठक, करेंट अफेयर्स कौन से साल का पढ़ना चाहिए, 2019 के पहले का या अभी वाला? देखिए जब से एग्जाम होगा तब से आप 1.5 साल का कम से कम अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका एग्जाम में जो है अगर 10 क्वेश्चन है तो 6-7-8 आराम से बन जाएगा, तो जहाँ जब एग्जाम है और उससे 1.5 साल पहले का। अगला क्वेश्चन है सुरेश, भोपाल जोन ग्रुप डी ST कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी? तो कट ऑफ का हमने दोस्तों वीडियो बना दिया है एकदम सभी जोन का, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रमेश चौधरी का, मेरे 10th और 12th की मार्कशीट गुम हो गई है, तो बोर्ड के डुप्लीकेट मार्कशीट चलेगा? हाँ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट भी चलेगा, वहाँ आपको देखता है सिर्फ और वो फोटोकॉपी आपको मांगता है, तो डुप्लीकेट अगर आप बोर्ड से बनवाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
और दिक्कत नहीं होगा। और हैप्पी रिपीट आप ज्वाइनिंग के समय एक बनवा लीजिएगा कि मेरा हरा गया था इसलिए मैं नया ये लाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है रणविजय कुमार, मेरा बायोमेट्रिक जो है वो 1-2 मंथ में चेंज हो मिसमैच होते रहता है, तो रेलवे में क्या दिक्कत होगी? हाँ दोस्तों, दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि देखिए मेरा भी दिक्कत हुआ था, क्योंकि जो है जब मैं बायोमेट्रिक मेरा मैचिंग नहीं कर रहा था, तो धीरे 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 2-3 घंटा बैठे उसके बाद जो है फिर से चेक किया, तो 2-3 बार चेक किया तो मैच किया। बहुत लोगों को मैच भी नहीं किया तो उनका 1-1.5 साल जो है बाद ज्वाइनिंग किया, जो और प्रोसेस जो वो प्रोसेस के माध्यम से जो है वो जो उनको बेटिंग में मतलब बोल दिया कि बाद में आप आइए, उसके बाद उनके वो उनसे जो है चेक जो है लिखित लिया, क्या क्या प्रोसेस है वो वही बता पाएंगे, हमें तो मालूम नहीं, लेकिन दिक्कत हुआ था, उनको बाद में बुलाया गया था और उन वही सब जो है 1 साल बाद हमारे ही डिवीजन में जो है आए हैं कुछ लोग, तो इसीलिए जो है दिक्कत होगा। अगला है सत्तन कुमार सतरांज कुमार सिंह, बिरजू भाई मैं अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मुझे आरबी जेई की तैयारी करनी है, अभी से कैसे प्रिपरेशन करें? तो जेई के लिए दोस्तों आप जो भी पॉलिटेक्निक आपका ट्रेड है वो पहले ट्रेड को जो है अच्छे कर लीजिए, क्योंकि जेई में ट्रेड का भी जो है आपका पार्ट रहेगा, तो वो ट्रेड आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है जनरल कंपटीशन की तरह ही जो है आपका जितना भी बचा है वो पढ़िए। मैंने एक वीडियो बनाया है कि शुरू से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी, रेलवे की तैयारी कैसे करें, वो वीडियो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब लेकिन हाँ ट्रेड पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रेड में पास नहीं हो पाता है लोग और फेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है HS02, नौकरी में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं, नौकरी नहीं चेक होता है रेलवे में, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए और आराम से तैयारी पे फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सुमित कुमार, निगेटिव से नॉर्मलाइजेशन पर असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है, निगेटिव आप कितना भी लीजिए नॉर्मलाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है, हमने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि किस किस चीज़ों पर ये नॉर्मलाइजेशन का जो है फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद जाफर का, भाई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कौन लगाए? देखिए कोई भी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए आप प्रीवियस ईयर ऑफलाइन लगाइए, और रुकमणी या कोई भी यूथ का ले लीजिए, रुकमणी का ले लीजिए, स्पार्क्स का ले लीजिए, बहुत जो है वो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन है जय किशोर, मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो क्या उसे ठीक करने में जो है टाइम दिया जाता है? तो हाँ बिल्कुल दिया जाता है, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो उसके लिए जो लीगल समय होगा, जो रेलवे ने निर्धारित किया है कि इस चीज़ के लिए आपको इतना दिन दिया जाएगा, तो आपको जो है उस टाइम दिया जाएगा, उस टाइम उतना दिन में आपको ठीक करके फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन कोशिश करिए कि जो हम पहले से ही मेडिकल फिट रहे, ताकि जो वहाँ टेंशन ना बढ़े। देखिए आपको वहाँ से घुरा देता है तो आप भले ही फिर से रीमेडिकल में जाइएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है, इसलिए जो है कोशिश करिए कि आप पहले से ही जो मेडिकल जाने से पहले से फिट रहें। चलिए अमित यादव जी पूछ रहे हैं ग्रुप डी में का जो है एग्जाम डेट कब होगा? देखिए ग्रुप डी का एग्जाम डेट का तो अभी कोरोना चल रहा है, जो स्थिति काफ़ी हद तक जो है अभी सही चल रहा है, धीरे धीरे कम ही रहा है, तो जो कोरोना समाप्त होगा उसके बाद जो है आपका SSC CHSL का पेपर जो रद्द हुआ वो होगा, उसके बाद NTPC 7th फेज होगा, उसके बाद जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो मेरे हिसाब से अगस्त में भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।